हेलो एवरीवन, टुडे वी विल नाउ डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 3.4, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम होल नंबर के बारे में जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो ऐसे नंबर जो क्या हो, जीरो से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे फिर बढ़ते जाएं इनफिनाइट तक, ये क्या कहलाते हैं आपके, होल नंबर। दूसरा आपको मिलता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1, 2, 3, 4 एंड शो ऑन। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर का आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब नए दो नंबर पढ़ने हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर को ही हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर दो टाइप का है, ठीक है। पहला है आपका क्या, प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा है आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यही क्या है, दो टाइप के हैं, इन्हीं के बारे में हम लोगों को क्या है इस क्लास में डिस्कस करना है, पढ़ना है। देखिए, प्राइम नंबर सबसे पहले क्या होते हैं, प्राइम नंबर के बारे में देखना है। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर। बहुत ध्यान से सुनेंगे, प्राइम नंबर कैसे नंबर हैं, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ कितने फैक्टर हों, दो, टू फैक्टर हों। कौन कौन से, वो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ एंड वन। तो दो फैक्टर कौन कौन से, नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद हो, एंड वन, ठीक है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, है ना। क्या बोल सकते हैं, जिस भी नंबर के सिर्फ कितने फैक्टर हों, दो फैक्टर हों, वो आपका क्या है, प्राइम नंबर है। नंबर इटसेल्फ एंड वन, वो नंबर खुद और वन। अब एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो क्या हैं आपके प्राइम नंबर। आपके बुक में पेज नंबर 32 में देखिए 100 तक के प्राइम नंबर दिए हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में, 2, 3, 5 ये सब आपके क्या हैं, प्राइम नंबर। अब कैसे हैं, क्या बोलता है, ओनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों। मतलब फैक्टर मतलब हमने पढ़ा है कि जिसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ें। तो फैक्टर मतलब जैसे 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये जो 2 है ये तो प्रोडक्ट हो गया, ये क्या है, इसके फैक्टर हैं 2 और 1। तो इसमें क्या बोलता है, प्राइम नंबर में ओनली टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों। कौन कौन से, नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वो खुद, और साथ में वन। अब टू को देखिए, दो फैक्टर है ना, 2 मतलब वो नंबर खुद है एंड वन जो यहां पे बोल भी रहा है ना। तो ओनली टू फैक्टर, नंबर इटसेल्फ एंड वन। तो दो फैक्टर होंगे, नंबर खुद होगा और उसके साथ में वन। तो देखिए, ये नंबर खुद है ही है फैक्टर, और वन तो है ही है। तो कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, वो क्या कहलाता है आपका, प्राइम नंबर। और इसके बाद आप कुछ कर सकते हो क्या, कुछ नहीं कर सकते। 3 जैसे है, अब 3 × 1 = 3 ही लिख सकते हैं आप, और इसको और कैसे तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। 13 देखते हैं, 13 है ना, बड़ा नंबर है। पहला तो 13 × 1 = 13 हो गया, अब आगे कैसे तोड़ोगे, 2 करोगे। मान लीजिए मैं 13 × 2 कर दूं, मेरा मन नहीं मान रहा है कि नहीं और भी हो सकते हैं, तो 13 × 2 है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये तो गलत हो गया आपका, आपको तो 13 ही चाहिए, क्योंकि इज इक्वल टू का मतलब ही होता है कि जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है वो बराबर हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो नंबर प्राइम फैक्टर होते हैं, या वो नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके दो फैक्टर हों, वो
प्राइम नंबर है। बिल्कुल आसान सा है, आपके बुक में दिया है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर, जब दोनों देखेंगे तो और हमको डिफरेंस इसका समझ में आएगा। कंपोजिट नंबर बोलता है दोज नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर, ठीक है ना, दोज नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर हों। अब दो से ज्यादा फैक्टर कैसे होंगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फोर, फोर एग्जाम्पल लिए हम। अब देखते हैं फोर के कैसे दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, फोर इंटू वन इज इक्वल टू फोर, ये तो हमको भी पता है। अब और क्या होगा, अब इस देखिए इस फोर को हम देखें यदि ध्यान से तो ये टू के टेबल में आता है भाई, तो हम इसको टू इंटू टू लिख सकते हैं, फोर हो गया। अब फोर के क्या क्या फैक्टर मिल गया आपको, फोर खुद, फिर वन, और इन दोनों में से क्योंकि डबल है तो टू। अब देखिए दो से ज़्यादा फैक्टर हुए कि नहीं हुए, हो गए ना, तीन, फोर, वन और टू। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हों वो आपके क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें सिक्स देख लीजिए, सिक्स, ठीक है, तो सबसे पहला तो सिक्स इंटू वन, और क्या हो सकता है, अब सिक्स देखिए टू के टेबल में आता है, टू इंटू थ्री, सिक्स, तो क्या क्या हो गया, सिक्स, वन, टू और थ्री, तो सिक्स हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, तो चार फैक्टर निकल गए। तो ये इनमें डिफरेंस है, प्राइम नंबर क्या है, ओनली टू फैक्टर, नंबर इटसेल्फ एंड वन, और कंपोजिट नंबर क्या है, मोर देन टू फैक्टर। तो ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हों, सिर्फ दो फैक्टर, वो नंबर खुद हो और वन है, वो क्या कहलाते हैं आपके, प्राइम नंबर क्या है, कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने टू से स्टार्ट किया था ना, टू, थ्री, फाइव, फिर इधर बीच में फोर भी आ गया, सिक्स भी आ गया, वन कहाँ चला गया, वन भी होना चाहिए। अब यदि वन का फैक्टर मैं निकालूं तो कैसे निकलेगा, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। अब वन के कितने फैक्टर हैं, अब ये तो डबल रिपीट हो गया, मतलब एक ही बार, तो वन ही फैक्टर है। तो यहाँ प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, ओनली टू फैक्टर, दो होने चाहिए, लेकिन वन में तो एक ही फैक्टर है। तो हमेशा आप याद रखेंगे, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एंड नॉट कंपोजिट नंबर। तो याद रखेंगे वन जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद दूसरा इसमें और याद रखेंगे आप, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या बोल रहे हैं, टू इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, टू जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, याद रखेंगे टू जो है वो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। चलिए तो याद रखेंगे टू जो होता है वो आपका क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। और याद रखेंगे ये ओनली इवेन नंबर है जो प्राइम नंबर है ना, ओनली इवेन नंबर, ओनली इवेन नंबर दैट आर प्राइम नंबर, ये ऐसा है ना, इवेन नंबर है जो प्राइम नंबर है, इसके अलावा चार, छः, आठ, ये सब कंपोजिट हैं। दो ही सिर्फ एक ऐसा क्या है, इवेन नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर भी है, और टू तो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही है, याद रखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू है। वन क्यों नहीं है, क्योंकि वन के सिर्फ एक फैक्टर है, और प्राइम नंबर क्या बोलता है, कम से कम दो होने चाहिए, और कंपोजिट क्या बोलता है, दो से ज़्यादा होने चाहिए। तो याद रखेंगे वन जो है
वो आपका ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके बाद यदि बोल दे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ये क्या हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 2 तो क्या है आपका इवन है ना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, इवन में भी 2 है, लेकिन ऑड में पूछ देखिए ऑड में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो 3 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, क्योंकि इवन नंबर है और एक ही ऐसा इवन नंबर है जो क्या है प्राइम नंबर, बाकी सब इवन नंबर क्या होते हैं कंपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है, इसके कुछ और बेसिक्स हैं जिसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्या है इसके पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में देख चुके थे, उसके कुछ और बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम लोगों को आज यहाँ पे देखना है कि वो कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। तो प्राइम और कंपोजिट के बाद अगला इसमें आपको मिलेगा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम और कंपोजिट पढ़ लिए थे, प्राइम नंबर क्या नंबर हैं, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, कंपोजिट नंबर क्या होता है ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। अब देखना है को प्राइम नंबर कि को प्राइम नंबर आपका क्या होता है, तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं सम नंबर ओनली वन फैक्टर आर कॉमन, है ना। तो जब भी वन फैक्टर कॉमन बोलता है इसका मतलब वो नंबर पेयर में होंगे, तो एनी सच पेयर ऑफ नंबर कॉल्ड को प्राइम, ठीक है। तो को प्राइम नंबर क्या है, सम नंबर ओनली वन फैक्टर, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं, सिर्फ वन फैक्टर होते हैं, जैसे पिछले क्लास में वन देखे थे, वन क्या है प्राइम नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं सम नंबर ओनली वन फैक्टर आर कॉमन दैट इज वन, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होता है वो वन है, और इस तरीके का जो पेयर बनता है एनी सच पेयर ऑफ नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। आपके बुक में इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, सम नंबर हैव ओनली वन फैक्टर इन कॉमन दैट इज द नंबर वन, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होता है वो है नंबर वन, इस तरीके के जो पेयर बनते हैं एनी सच पेयर ऑफ नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि दिया है 10 और 9, अब 10 और 9 के फैक्टर हमको क्या करने हैं फाइंड करने हैं, ठीक है। फैक्टर देख लीजिए 10 और 9 का क्या होता है, 10 का देखिए 10 × 1 हो गया और आपको क्या हो जाएगा 5 × 2 हो गया, बस हो गया। तो देखिए 10 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, अब 9 भी है, 9 का पेयर भी है, तो 9 के फैक्टर क्या होंगे आपके देखिए 1 हो गया, 9 हो गया, है ना, 1 × 9 इज इक्वल टू 9, और क्या हो सकता है 3 × 3 इज इक्वल टू 9, बस इतना ही होगा। तो 9 के क्या क्या फैक्टर हो गए आपके, 9 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है कॉमन, ठीक है ना, तो 1 कॉमन दिख रहा है। और आपका डेफिनेशन भी क्या बोलता है कि ऐसे पेयर जिसमें सिर्फ एक ही नंबर क्या हो कॉमन हो वे क्या कहलाते हैं को प्राइम नंबर। तो 10 और 9 क्या है आपके को प्राइम नंबर है। क्यों है को प्राइम नंबर, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही नंबर क्या है कॉमन है और वो नंबर कौन सा है 1। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, सम नंबर ओनली वन कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, या फिर एनी सच पेयर ऑफ नंबर दैट इज वन फैक्टर इज कॉमन इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपको दिख गया, और आप देख सकते हो जैसे मैं ले लेता हूँ 4 और 15, 4 के क्या हो जाएंगे फैक्टर 4, 1 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। 15 के आपका 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखिए इन दोनों नंबरों में 4 और 15 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 4 और 15 भी क्या है को प्राइम नंबर है। वैसे ही आपका 17 और 23 हो जाएगा, ये भी को प्राइम होता है ना। 9 और 16 ये भी एक को प्राइम नंबर है ना। कैसे है, 9 में देखिए क्या हो जाएगा,
913, और 16 के क्या हो जाएंगे आपके, 16 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गए। देखिए कॉमन क्या है, 1। तो ऐसे नंबर के पेयर है ना, एनी सच पेयर ऑफ नंबर दैट इज ओनली वन फैक्टर इज कॉमन आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ क्या होते हैं, एक ही फैक्टर कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिख भी रहे हैं, ठीक है। ये हो गया लास्ट, इसमें आपको देखना है ट्विन प्राइम, है ना, TWIN, ट्विन प्राइम, ठीक है। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं, दोज नंबर दैट हैव डिफरेंस ऑफ टू बिटवीन देम, है ना, दोज प्राइम नंबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना, डेफिनेशन को, दोज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की बात आ रही है, कंपोजिट नंबर तो होता ही नहीं है। दोज प्राइम नंबर या ऐसे प्राइम नंबर, ठीक है, दोज प्राइम नंबर दैट हैव डिफरेंस ऑफ टू, दैट हैव डिफरेंस ऑफ टू, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, टू हो, वो क्या है आपके, ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे कि देखिए आपका प्राइम नंबर क्या होता है, टू है, थ्री है, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वन आ रहा है, मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं है। थ्री के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, फाइव है, देखिए थ्री और फाइव के बीच का डिफरेंस टू है ना, तो इसका मतलब थ्री और फाइव क्या हो गए आपके, ट्विन प्राइम हो गए, ठीक है। और क्या हो जाएगा, फाइव और सेवन, ये भी दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस टू है, तो ये भी ट्विन प्राइम हो गया। सेवन और नाइन, आप देखिए सेवन क्या है, प्राइम नंबर, नाइन क्या है, कंपोजिट नंबर, इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। तो सिर्फ ट्विन प्राइम कहाँ होगा, जहाँ पर सिर्फ क्या हो, प्राइम नंबर हो। डेफिनेशन में भी बता रहा है, दोज प्राइम नंबर दैट हैव डिफरेंस ऑफ टू, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस दो हो, वो आपके ट्विन प्राइम है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, देखिए तो 11 और 13, ये दोनों प्राइम नंबर हैं और डिफरेंस भी दोनों के बीच में टू है। अब 13 और 15 फिर पहुंच गए, 13 तो प्राइम है लेकिन 15 कंपोजिट है, तो ये भी ट्विन प्राइम नहीं होगा। और क्या हो जाएगा आपका, 17 और 19, तो ऐसे बहुत सारे इसके पेयर क्या हैं, बन सकते हैं। तो हम कहेंगे ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना आता हो, टू आता हो, या इन दोनों नंबर्स के यदि हम माइनस कर दें और टू आ जाए, तो ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं, ट्विन प्राइम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब एक्सरसाइज 3.4 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में क्या दिया हुआ है आपका, तो एक्सरसाइज 3.4 में आपको क्या करना है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या करने हैं, पहचानने हैं, ठीक है, कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो जैसे आपका पहला वाला दिया है, देखिए 39, कि 39 को आपको पहचानना है कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आप इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 39 का फैक्टर आप कैसे निकालोगे, 39 इंटू 1, ये खुद हो गया। फिर और आप इसमें क्या निकाल सकते हो, 13 इंटू 3, ये भी हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, और भी अलग अलग इसमें निकालने हैं, है ना, और इसमें क्या होगा, और तो नहीं होना चाहिए, इतना ही है ना। तो देखिए 39 के क्या क्या फैक्टर निकल गए, 39 हो गया, 1 हो गया, 13 हो गया और 3। तो देखिए क्या होगा, दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो आप यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, 39 आर मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। यही बताना है कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो 39 देखिए दो से ज़्यादा फैक्टर निकल गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, बाकी क्वेश्चंस को भी निकालने हैं और सॉल्व करने और बताने हैं कि वो क्या है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो ईजी सा है। दूसरा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम, को प्राइम पहचानना है। तो को प्राइम कैसे पहचानोगे, तो जैसे देख लीजिए इसका भी एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है 7 and 21, तो सबसे पहले वही है कि फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। फैक्टर तो देखिए 7 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7
ये इक्वल टू हो जाएगा 7 × 1, बस इतना ही निकलेगा। 21 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 21 हो गया, 1 हो गया, 7 × 3 भी 21 होता है, तो 7 और 3 हो गए, है ना। अब देखिए कॉमन क्या क्या है इन दोनों में, 1 कॉमन है और 7 भी कॉमन है, बट को प्राइम क्या बोलता है, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक ही नंबर है ना क्या होता है, कॉमन होता है, और वो भी 1। लेकिन यहाँ पर तो 1 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। तो लिख लेंगे, है ना, दीज आर टू कॉमन फैक्टर, सो इट इज नॉट अ को प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आपको क्या है, निकाल करके बताना है, ठीक है। और इसमें देखिए थर्ड देखते हैं, थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, 9 और 14, 9 और 14 में बताना है कि इसमें ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। देखिए 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, देखिए 9 × 1 हो गया सबसे पहला तो, और 3 × 3 हो जाता है, ठीक है, और इतना ही है। 14 में देख लीजिए क्या हो जाएगा, 14 × 1 है और क्या हो जाएगा, 7 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिख लीजिए 9 के क्या क्या फैक्टर हो गए आपके, 9 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गए, क्योंकि डबल है तो एक ही बार लिखना है, हम बताए थे डबल रिपीट नहीं होगा। 14 के क्या हो जाएंगे, 14 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया और 2। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो लिख देंगे ऐसी दीज आर ओनली 1 कॉमन फैक्टर, है ना, इसमें लिखेंगे दीज आर ओनली 1 कॉमन फैक्टर, सो इट इज अ को प्राइम नंबर। तो ये आपका 9 और 14 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है और कॉपी में बनाना है। थैंक यू एवरीवन। तो इस तरीके से आपका 3.4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।